Hey guys, welcome back to a new video. तो भाई आज की वीडियो होने वाली है After Effects के ऊपर में, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई After Effects के ऊपर में ट्रांजिशन का ट्यूटोरियल लेके आओ। तो यार जूम इन जूम आउट और स्केल रोटेशन का ट्रांजिशन तो बहुत ज्यादा कॉमन है, आप लोगों में से काफी लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं उस पर फिर कभी ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ जाऊंगा। बट मैंने सोचा कि आज कुछ डिफरेंट टाइप का ट्रांजिशन ट्राई करते हैं। तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं मास्क ट्रांजिशन। तो इसमें बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि किस टाइप से आपको क्रिएट करना है, और उसको आप अपने अकॉर्डिंग में किसी भी गेम प्ले या फिर मोन्टाज में यूज कर सकते हो, चाहे कैरेक्टर के ऊपर में या फिर स्कोप या फिर व्हीकल किसी भी चीज के ऊपर में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो चलो यार सीधा आप आफ्टर इफेक्ट्स में चलते हैं और देखते हैं किस टाइप का क्रिएट करना है। तो यार मैंने यहाँ पर पहले से एक ट्रांजिशन क्रिएट किया हुआ था, जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा होगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना कैरेक्टर को मास्क करके इसमें ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इस पर एक इफेक्ट ऐड करेंगे, और ये थोड़ा आपको वेव के टाइप का इफेक्ट दिख रहा होगा, तो इस टाइप का कुछ हम इफेक्ट ऐड करेंगे। तो इसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं डेमो वाले कंपोजिशन पे आ जाऊँगा। तो आपको एक नया कंपोजिशन क्रिएट कर लेना है, उसके बाद क्या करना है, अपना कोई भी वीडियो या फिर मॉन्टाज क्लिप हो उसको आप इम्पोर्ट कर लेना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक वीडियो क्लिप को ही छोटा सा है इमोट का, इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको रिसाइज कर लेते हैं। तो इतना रिसाइज होने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इसको स्प्लिट करता हूँ, मतलब बीच का कुछ अनवांटेड पोर्शन को रिमूव कर देता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करके डिलीट कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस वाले पोर्शन पे आ जाऊँगा जहाँ से मेरा कैरेक्टर मूव हो रहा है, और इसको भी कंट्रोल शिफ्ट और डी करेंगे, मिडिल पोर्शन को डिलीट कर देंगे, और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ तक ले आऊँगा। अपना क्लिप को थोड़ा सा जूम करना है आपको, और आपको क्या करना है, अपना क्लिप का जो सबसे पहला वाला फ्रेम है, फर्स्ट फ्रेम, उस पर आ जाना है। और इसके बाद कंपोजिशन वाले मेन्यू में आना है, और यहाँ से आपको सेव फ्रेम एज कर देना है। इसके बाद क्या करना, आपको यहाँ पर मिल जाएगा डेमो करके, कुछ भी हो आप जो भी नाम दिए हो। उसके बाद क्या करना, आउटपुट मॉड्यूल को यहाँ से चेंज करना, फोटोशॉप से चेंज करके यहाँ से कर लेना है जेपीजी सिक्वेंस। तो यहाँ से करने के बाद इसको ओके कर देते हैं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसका नाम भी चेंज कर लेता हूँ, और सिंपल कोई भी नाम रख देते हैं। और इसके बाद क्या करना है, आपको रेंडर कर देना है। तो आपका ये एज ए फ्रेम एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब इसको रेंडर क्यूब को काट देते हैं। अब क्या करूँगा, मैं जो फ्रेम को एक्सपोर्ट किया था उसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो इम्पोर्ट करने के लिए मैं डायरेक्टली यहीं से इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो फाइल में आके इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो ये वाला हमारा जो जेपीजी हमने एक फ्रेम जो क्रिएट किया था वो है, उसको मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अब क्या करूँगा, इसको ड्रैग करके अपने यहाँ पर ले आऊँगा, इसके ऊपर में आपको प्लेस कर देना है। और इसके बाद क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट और की को दो बार प्रेस करना, तो आप 20 फ्रेम आगे आ जाओगे। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, और इसको ड्रैग करके आपको ले आना है यहाँ तक, ताकि मैं 20 फ्रेम का, मतलब जो ट्रांजिशन जो मैं क्रिएट करूँगा वो 20 फ्रेम का रहेगा। आप चाहो तो लंबा, अगर आपको ज़्यादा लंबा ट्रांजिशन क्रिएट करना है तो आप और ज़्यादा इसका लेंथ को बढ़ा सकते हो। तो वापस से मैं अपने इस वाले पोर्शन पर आ जाता हूँ जहाँ पर हमारा दो क्लिप मिल रहा है। उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट डी करके इसको स्प्लिट करके ये लास्ट वाले पोर्शन को डिलीट कर दूंगा। अब क्या करूंगा, इस पर आपको अब मास्क अप्लाई करना है। आप चाहो तो इस पेन टूल का यूज करके मास्क को अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप रोटो ब्रश का यूज करके कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, जल्दी हो जाए तो मैं रोटो ब्रश का यूज करूंगा। सो रोटो ब्रश को इसको क्लिक कर देते हैं। इसके बाद इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको फिट टू फ्रेम साइज करके इसमें आपको मास्क अप्लाई कर देना है। मास्क कैसे अप्लाई करना है, आपको सिंपली लेफ्ट एरो की को प्रेस करना है, ग्रीन वाला आएगा, आपको इस टाइप से ये कर लेना है। मान लो आपका मास्क अगर इस टाइप से बाहर निकल आता है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड पे, तो ये रेड हो जाएगा कर्सर, और इसको आप यहाँ से ऐसे करके रिमूव कर सकते हो। आपको अगर ब्रश का साइज को छोटा या फिर बड़ा करना है तो कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद आप लेफ्ट माउस बटन को दबा के ड्रैग करोगे तो ये बड़ा या फिर छोटा हो जाएगा। तो इस टाइप से आप मास्क को क्रिएट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फटाफट एक मास्क क्रिएट कर लेता हूँ। अब गाइस इतना तक आपका मास्क क्रिएट होने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको एक फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कर देना तो आपका फ्रीज हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर अब फ्रीज हो गया है। अब क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली कंपोजिशन वाले पैनल पर आता हूँ, कंपोजिशन वाले सेटिंग्स में। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा तो यहाँ पर अब क्रिएट हो गया। अब इस पर मैं क्या करूँगा, ट्रांजिशन अप्लाई करूँगा। सो ट्रांजिशन अप्लाई के लिए फर्स्ट वाले स्टार्टिंग में आना है। उससे पहले क्या करते हैं, इस वाले क्लिप को मैं प्री कंपोज कर दूंगा। तो यहाँ पर मूव ऑल एट्रीब्यूट्स करके इसको मैं प्री कंपोज कर देता हूँ। अब क्या करना है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, फर्स्ट वाले फ्रेम पर आ जाऊँगा, और
इसके बाद कीबोर्ड में आपको पी प्रेस करना है पोजीशन के लिए, उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ से सेपरेट डायमेंशंस कर लेना है। आप चाहो तो एक्स और वाई दोनों पोजीशन को आप एनिमेट कर सकते हो, मैं फिलहाल के लिए सिर्फ एक्स पोजीशन को एनिमेट करूंगा। और स्टार्टिंग में आने के बाद में मैं इसका यहाँ पर स्टॉपवॉच प्रेस करके आपको एक की फ्रेम यहाँ पर अप्लाई कर देना है, और इस की फ्रेम को पकड़ के लास्ट वाले पोर्शन पर प्लेस कर देना, और वापस से एक की फ्रेम को यहाँ पर आगे में फर्स्ट वाले में अप्लाई कर देना। हमारा ये जो लास्ट वाला की फ्रेम है ये डिफॉल्ट वाला रहेगा, डिफॉल्ट पोजीशन, और फर्स्ट वाले की फ्रेम को अपन एनिमेट करेंगे। सो एनिमेट करने के लिए इसको आपको पकड़ना है, आपको इसको कैरेक्टर को, और इसको आपको ड्रैग कर लेना। आप चाहो तो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जहाँ पर भी आप चाहो तो उस टाइप से आप ड्रैग कर सकते हो। आपको इतना ड्रैग करना है कि आपका ये फ्रेम के बाहर हो जाए। अब क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड पर F9 प्रेस कर दूंगा, ईजी हो जाएगा। देन इसके बाद में ग्राफ एडिटर पर आना है, और ग्राफ एडिटर में आपको यहाँ से वैल्यू ग्राफ ही रखना है, और इसको सिलेक्ट करके ग्राफ कुछ इस टाइप का आपको क्रिएट कर लेना है। आप ग्राफ अपने अकॉर्डिंग में सेट कर सकते हो कितना आपको स्पीड में ट्रांजिशन चाहिए। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कितना स्पीड में हो रहा है, तो यहाँ से आप देख लेना आपको कितना स्पीड में ट्रांजिशन चाहिए। आपको अगर स्लो चाहिए तो आप यहाँ पर से इसका ग्राफ को भी स्लो कर सकते हो, उस टाइप से आपका ट्रांजिशन स्लो या फिर फास्ट हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा स्लो चाहिए तो आप उसका लेंथ को, जो हमने फ्रेम जो एक्सपोर्ट किया था उसका लेंथ को आप बढ़ा सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये अभी परफेक्ट लग रहा है, तो इतना तक तो हमारा काम हो गया है। अब क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर यू प्रेस कर देता हूँ। अब क्या करूँगा, एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करूँगा, न्यू यहाँ पर जाके एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करना है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करना है, और इस पोर्शन को डिलीट कर देना है। देन फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो की को दो बार प्रेस करूंगा, और थोड़ा आगे आ गए हैं, इसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करके यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इस पर एक इफेक्ट अप्लाई करूंगा ट्विच करके, और ट्विच एक गाइस थर्ड पार्टी प्लगइन है, तो अगर आपके पास में ट्विच इफेक्ट नहीं है प्लगइन तो आपको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आप इस पर अप्लाई कर लेना। तो मैं सिंपली इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में आने के बाद में यहाँ पर ट्विच सर्च करना है, और आपको यहाँ पर ट्विच मिल जाएगा। और इसके बाद में क्या करना है, आपको फर्स्ट वाले फ्रेम पर आना है यहाँ पर, और इसके बाद से क्या करना है, आपको यहाँ पर अमाउंट पे की फ्रेम ऐड कर देना है, और इसको कर देना है 120। और आपको उसके बाद में कीबोर्ड में यू प्रेस करूँगा तो यहाँ पर हमारा की फ्रेम मिल जाएगा, और लास्ट वाले फ्रेम पे आऊँगा और इसको मैं कर दूँगा 0। देन इसके बाद में क्या करूँगा, इसका स्पीड को मैं यहाँ पर 15 कर दूँगा। उसके बाद इनेबल में आना है, और यहाँ से स्लाइड को इनेबल कर लेना। देन ऑपरेटर कंट्रोल्स में आना है, देन स्लाइड में आना है, यूनिक स्लाइड को कर देना है यहाँ पर 36, और इसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा स्लाइड अमाउंट, स्लाइड अमाउंट को कर देना है 43। और यहाँ पर और कुछ को आपको चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ तक हमारा हो गया है। और इसके बाद क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड में F9 प्रेस कर दूँगा, और इसके बाद ग्राफ एडिटर में आना है। ग्राफ एडिटर में आने के बाद में वही वैल्यू ग्राफ में रहना है, और इसको आपको इस टाइप का ग्राफ कुछ क्रिएट कर देना है। तो हमारा यहाँ पर ट्विच इफेक्ट भी इस पर अप्लाई हो गया है। तो गाइस नेक्स्ट में क्या करना है, आपको इस प्री कंपोज वाले क्लिप पे आना है, इस पर अब हम एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में आना है, इसके बाद आपको सर्च करना है टर्बुलेंट करके, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टर्बुलेंट डिस्प्ले करके, इस पर अप्लाई कर देना है, और फर्स्ट वाले फ्रेम पर आना है। और इसके बाद क्या करूँगा, इसका अमाउंट को मैं कर दूंगा स्टार्टिंग में 100, और इसके बाद एक की फ्रेम को अप्लाई कर दूंगा। देन क्या करूँगा, लास्ट वाले पोर्शन पर आ जाऊँगा, लास्ट वाले पोर्शन पे आने के बाद में इसका अमाउंट को मैं कर दूंगा 0, और इसका साइज को मैं कर दूंगा यहाँ पर 350। और यहाँ पर भी एक की फ्रेम अप्लाई कर देंगे, कीबोर्ड में यू प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर की फ्रेम मिल जाएगा देखने को। देन अगेन फर्स्ट वाले फ्रेम पे आते हैं, और इसका अमाउंट को कर देना है 30, और इसके बाद इन चारों को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड में F9 प्रेस कर देना। देन क्या करना है, ग्राफ एडिटर पर आना है, और यहाँ से आपको स्पीड ग्राफ पर आ जाना है, स्पीड ग्राफ यहाँ पर सिलेक्टेड रहे, और ग्राफ को आपको कुछ इस टाइप का क्रिएट कर देना है। सो मैं इस टाइप का यहाँ पर ग्राफ को क्रिएट कर लेता हूँ। सो इस टाइप का आपको दोनों ग्राफ को सिमिलरली इसी टाइप का आपको क्रिएट करना है, तो दोनों ग्राफ को इस टाइप का हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इतना हो जाने के बाद में अब देखते हैं किस टाइप का हमारा इफेक्ट निकल के आ रहा है। तो इस टाइप का हमारा इफेक्ट निकल के आ रहा है, आप चाहो तो इस पर और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो मेरा मेन मोटिव था आपको बेसिक चीज़ें बताना कि किस टाइप से आप इसको क्रिएट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग में इस पर और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो बस गाइज, आई होप आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगी तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू नो।
और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। चलो फिर मिलते हैं और किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।